हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी फ्रॉम इवेदाती चॉट्स एंड आज हम अपनी बिहाइव बुक की पोएम नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है रेन ऑन दी रूफ। सो नेम से आपको पता चल रहा है कि बारिश के बारे में है ये पोएम। अब यहाँ पे ये जो पोएम है इसका पूरा जो कंसेप्ट है इज रिटन इन नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया मीन्स कि जब हम कोई पुरानी यादों को दोबारा से उनको याद करते हैं, दोबारा से उन चीजों को जीते हैं तो हम बोलते हैं नोस्टैल्जिया। जैसे बहुत ज्यादा आजकल फेमस भी है फीलिंग नोस्टैल्जिक, बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, तो उसका मीनिंग ये होता है। अब यहाँ पे पोएट बताते हैं कि जब बारिश होती है और उनकी रूफ पे बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो उन्हें उससे क्या क्या चीजें याद आती हैं, ये क्या क्या उन्हें फील होता है उसके बारे में वो फीलिंग्स उन्होंने इस पोएम में एक्सप्रेस करी है। अब यहाँ पे कभी वो हैप्पी है कभी वो सैड है, तो मिक्स ऑफ इमोशन है इसमें। बिकॉज उन्हें एक तो पता है कि दोबारा ये सब वो दोबारा कभी इन चीजों को नहीं जी पाएंगे। सो अब यहाँ पे हम पोएम को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे एंड देखते हैं कि पोएम हमें कैसी लगती है। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड दी पोएम। अब हम लाइन टू लाइन से रीड करते हैं, जो वर्ड्स है उसके मीनिंग देखते हैं और पोएम को समझते हैं। सो पोएम स्टार्ट होती है, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर एंड द मेलनकोली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। तो सबसे पहले इसमें है ह्यूमिड। ह्यूमिड का मतलब होता है फुल ऑफ मॉइस्चर एंड होवर मीन्स टू मूव इन एयर। सो यहाँ पे व्हेन द ह्यूमिड शैडोज किसके लिए बोला गया है, ये रेफर किया गया है क्लाउड्स को, जो डार्क क्लाउड्स है उसकी बात हो रही है। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर मीन्स जब वो डार्क क्लाउड्स आसमान में घूम रहे हैं ओवर ऑल दी स्टारी स्फीयर। सो स्टारी मीन्स फुल ऑफ स्टार्स। So, ये स्टारी स्फीयर मींस दी स्काई। तो स्काई की बात करी गई है कि ये जो क्लाउड्स है बड़े बड़े डार्क क्लाउड्स है ये स्काई में हवर कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। एंड दी मेलनकोली डार्कनेस, मेलनकोली मींस सैड। सो सैड डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। वीप्स का मतलब होता है शेडिंग टीयर्स। तो वो बता रहे हैं कि उसके बाद उसको क्या फील होता है, जैसे कि जितनी ये डार्कनेस है ये बहुत ही सैड है और ये वीप कर रही है और टीयर्स की फॉर्म में क्या आ रही है, रेन आ रही है। मतलब जो रेन है उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, टीयर्स से। ओके, एंड व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन अहेड ओवरहेड। सो हियर ब्लिस मीन्स हैप्पी। सो अब यहाँ पे एक हैप्पी फीलिंग की बात हो रही है। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो मीन्स टू लाई, प्रेस द पिलो का क्या मतलब है, अपने बेड पे आराम से कंफर्टेबल होके लेटना। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, कॉटेज चैम्बर हियर रेफर्स टू द बेडरूम। ओके, सो कितनी हैप्पी मोमेंट है, कितनी अच्छा है, कितना खुश अच्छा लगता है या उसको कितनी खुशी होती है, हैप्पीनेस होती है करते हुए कि आराम से वो अपने कॉटेज के बेड पे, कॉटेज चैम्बर मीन्स अपने बेडरूम में पिलो पे आराम से लेटा हुआ है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, पैटर मीन्स द साउंड ऑफ रेन। अब रेन की जो साउंड आ रही है उसकी बात हो रही है। ऑफ दी सॉफ्ट रेन ओवरहेड, सो जो हमारे ऊपर बारिश की जैसे बूंदे आ रही है वो साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रही है, जो उसकी रूफ है उस पर जब बारिश की बूंदे पड़ रही है तो उसकी जो साउंड है उसको पैटर बोला गया। तो वो बोल रहे कितना अच्छा लग रहा है आराम से अपने बेड पे उस साउंड को सुनना। ठीक है, अब आगे चलते हैं पोएम में, कंटिन्यू करते हैं। मूविंग अहेड विद द पोएम, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैव एन इको इन द हार्ट एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। सो यहाँ पे सबसे पहली जो लाइन है इसमें टिंकल का मीनिंग है शॉर्ट साउंड एंड शिंगल्स मीन्स जो रूफ पे टाइल्स लगी होती है उसकी बात हो रही है। सो एवरी टिंकल ऑन दी शिंगल्स मतलब हर, जैसे हर बोन से जो एक छोटी सी भी साउंड आ रही है जब वो रूफ की टाइल पे पड़ रही है, हैज एन इको इन दी हार्ट। इको मीन्स हिंदी में वैसे तो इसका होता है साउंड कॉज बाय रिफ्लेक्शन, या आप सिंपल वर्ड में बोल सकते हो जब आवाज गूंजती है। तो वो बोल रहे हैं वो हर शॉर्ट साउंड जो कि रूफ की जब टाइल पे एक बूंद गिरती है उसकी जो साउंड है वो उसके हार्ट में इको करती है, मतलब उसके दिल में वो आवाज गूंजती रही है। एंड थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इन टू बिजी बींग स्टार्ट, फैंसीज मीन्स डिजायर। तो ऐसे बहुत सारे ड्रीमी डिजायर जैसे हम बोल सकते जो हम सपने वगैरह है वो ऐसा लग रहा है कि अब स्टार्ट होने वाले हैं। देन एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड इन टू वूव, अ थाउजेंड रिकलेक्शंस, रिकलेक्शन यहाँ पे बात हो रही है अबाउट द मेमरीज ऑफ द पास्ट। तो जो पास्ट की मेमरीज है उसकी यहाँ पे बात हो रही है,
वीव मतलब होता है बुनना, जैसे अगर एक कपड़ा भी है तो वो जो थ्रेड से बुन के वो फाइबर बनता है. सो वीव देयर एयर थ्रेड्स. एयर थ्रेड मीन्स हवा, हवा की थ्रेड्स, हवा के धागे. मतलब जैसे बोलते ना हवा में सपना बुन, सपने बुनना, वो वैसे वहां उसकी बात हो रही है. इंटू वूफ. वूफ मीन्स ये बेसिकली वर्ड आया है वेफ्ट वर्ड से. वेफ्ट का मतलब होता है कपड़ा. तो वो जो पुरानी उसकी पास की यादें हैं, वो ऐसा लग रहा है वो हवा से थ्रेड्स लेके उसको वो पुरानी यादें फिर से बुन रही हैं. As I listen to the patter of the rain upon the roof. As I listen to the patter. Patter again means the sound of rain. तो ये सब उसके दिमाग में चल रहा है, ये सब उसे फील हो रहा है जब वो उस patter, मतलब उस sound को, जो rain की sound है उसको सुन रहा है. Now let's move ahead. Now let's continue. Now in memory comes my mother, as she used in years agone, to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. So here, now in memory comes my mother. Very simple. अब उसकी memories में उसकी mother आ रही है. अब क्या memory आ रही है उन्हें अपनी mother की? As she used in years agone. Agone is basically used for ago, मतलब बहुत पहले. तो क्या memory आई है? बहुत पहले जैसे उसकी mother करती थी, क्या करती थी? To regard the darling dreamers. Regard means to consider or to see. So, darling dreamers here is used for the children. तो वो बताता है कि जैसे मेरी मदर आती थी और हमें, मतलब अब वो सिर्फ अपनी बात भी कर सकते हैं, सिंस यहाँ पे ड्रीमर्स है तो शायद वो अपने सिबलिंग्स की भी साथ में बात कर रहे. टू रिगार्ड दी डार्लिंग ड्रीमर्स एयर शी लेफ्ट देम टिल दी डॉन. एयर मीन्स बिफोर. सो उसे कौन सी मेमोरी आ रही है? जब वो रात को सोने जाते थे एंड उनकी मदर आती थी एक बार उनको देखने के लिए, या कि सब कुछ ठीक है इस तरह से देखने के लिए. बिफोर शी लेफ्ट डॉन मीन्स द नेक्स्ट मॉर्निंग. तो सुबह तक के लिए जब वो हमें छोड़ के जाती थी तो वो एक बार रात को आके चेक करती थी. तो वो उसे वो मेमोरी आ रही है. ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी. फॉन्ड मीन्स फुल ऑफ लव. तो बोलते हैं अभी भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो जो उस टाइम जो उनकी लुक होती थी फुल ऑफ लव वाली, वो मुझ पे अभी भी है. एज आई लिस्ट टू दिस रीफ्रेम. लिस्ट हियर इज यूज फॉर लिसन. तो जैसे मैं अभी जब मैं ये सुन रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ? रीफ्रेम. रीफ्रेम बेसिकली होता है रिपीटेड सॉन्ग. एंड यहाँ पे कोई सॉन्ग नहीं है. सो कौन सा सॉन्ग रिपीट हो रहा है? द साउंड ऑफ दी रेन. तो जब वो रिपीटेडली इस साउंड को सुन रहा है तो उसे अपनी मदर की ये मेमोरी आ रही है और उसे ऐसा फील हो रहा है कि उसकी मदर की जो वो लुक है वो अभी भी उस पर है. विच इज प्लेड अपॉन द शिंगलिंग्स बाय द पैटर ऑफ द रेन. कौन से रिफ्रेन की बात हो रही है? जो कि प्ले हो रहा है शिंगलिंग्स पे बाय द पैटर ऑफ रेन. मतलब सॉरी, बाय द पैटर ऑफ रेन मीन्स जो रेन की साउंड से जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो जो रिपीटेडली वो सुन रहा है उसकी बात हो रही है. ओके, सो दिस वॉज दी होल पोएम. आई होप आपको ये समझ आ गई होगी एंड अब आप इसकी क्वेश्चन आंसर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई विल बी कमिंग बैक अगेन विद द न्यू चैप्टर. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.